Assalamualaikum and welcome back with another new exciting vlog. कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे. आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत मजे में हूँ. तो आज की रेसिपी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं लाहौर के खूबसूरत मौसम के साथ. और आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि हम बनाने जा रहे हैं राना हमजा की वाइफ की फेमस रेसिपी जो उन्होंने रिसेंटली बनाई है. तो मैंने कहा यार ये बहुत मजे की है तो ये बनाते हैं और ये आज बाहर देकर आते हैं. तो चलते हैं अपने बाहर वाले किचन में और आपको सारा सेटअप दिखाती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाहौर का वेदर दिखाती हूँ. तो चलते हैं बाहर. चले जी, अब आपको खूबसूरत मौसम के साथ दिखाते हैं. वो रहा जहाज और ये देखें बादल बादल, हवा हवा और बहुत खूबसूरत हवा चल रही है. और ये सारा सेटअप है आज का. तो बस चलते हैं रेसिपी की तरफ. हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, बस मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है. ये रहमतें और बरकतों वाले महीने की फजीलत है. अच्छा जी, रेसिपी शुरू करने से पहले आपको सारी चीजें बता देते हैं. यहाँ पे हमारे पास है सेब, अमरूद और चीकू. ये अम्मी को लगा के कीवी है लेकिन ये कीवी नहीं है, ये चीकू है. तो हम ये भी डाल देते हैं. ड्राई फ्रूट भी हमारे पास है. यहाँ पे बादाम, किशमिश, खजूरें, नमक, चाट मसाला और ऑरेंज और मैंगो का जूस पाउडर है. इमली और आलू बुखारा की मीठी चटनी है. यहाँ पे हमने बॉयल्ड चने रखे हुए, स्ट्रॉबेरीज हैं और हमारे पास यहाँ पे केले हैं. थोड़ा सा हमने पानी रखा हुआ है. तो चलें जी अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग सेब और अमरूद की कटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से. तो पहले हम इसके को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से. अच्छा, सारे फ्रूट्स हमने कटिंग कर लिए, काट लिए मोटे मोटे. अब इसके अंदर हमने सारे चने डाल देने, ठीक है. और अब इसको हम करेंगे मिक्स. ये ना हो ये बाद में मिक्स ही ना हो. तो आराम से आपने हाथ रखना है ताकि फ्रूट्स हमारे टूटे ना. अब इसके अंदर जाएगा हमारा ड्राई फ्रूट सारा, ठीक है, जिसमें हमने खजूरें डाल देनी है. यहाँ पर हमारे पास बादाम और किशमिश है, वो डाल देंगे, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास है मेन चीज़, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाला है. और इसके अंदर हमारे पास है ऑरेंज और मैंगो का पाउडर जूस, ठीक है. उसके अंदर हमने पानी डाला है तो उसको लिक्विड फॉर्म में बना लिया. अब ये हम सारा इसमें डाल देंगे, ठीक है. अंदर हम ना थोड़ा सा ये डालेंगे अभी, इसको देख लेते हैं. इसमें भी अगेन थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है. और फिर इसको भी इसमें डाल देंगे. अब इसको करेंगे हल्के हाथ से मिक्स. तो हम इसमें पानी डाल देते हैं. चलो, बहुत मज़ेदार लाहौरी फ्रूट चाट रेडी है. अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सारा इमली का पल्प है ना ये मिक्स हो जाए. ये खूबसूरत चाट, हमारी फ्रूट चाट सारी मिक्स हो गई अच्छे से, ठीक है. अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे. चाट मसाला हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने जो आलू बुखारा और इमली की चटनी बनाई थी उसमें भी हमने स्पाइसी मतलब की थी थोड़ी सी. तो चलें जी, आप इनको जल्दी से बॉक्स में डालते हैं और ये आप इसका क्लोजअप चेक कर लें ज़रा. बहुत खूबसूरत, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. और जैसे आप बाहर की खाते हैं ना सेम उसी तरह की बनी है. और विद क्यूट मैसेज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दें. तो चले अब इनको डालते हैं बॉक्स में. फ्रूट चाट के साथ
साथ साथ आप जरा लाहौर का खूबसूरत मौसम तो चेक करें। वाह जी वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और बस अब हमने इनको बना लिया, ठीक है, और अब इनको देने जाते हैं। और बस आज का व्लॉग इतना ही था, आज की रेसिपी इतनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का व्लॉग इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, एक और व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।